हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नम्रता। लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद जिस तरह से मसीहा बनकर लोगों की मदद के लिए सामने आए, उसके लिए उनकी जितनी तारीफ की जा रही है या फिर की गई है उतनी ही कम है। हर मंच पर उनकी खूब सराहना हो रही है। वही अब खबर आई कि नॉर्वे बॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में भी उन्हें सम्मानित किया जाएगा, जहां उन्हें ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 दिया जाएगा। बता दें, सोनू सूद को एक वर्चुअल इवेंट के जरिए इस सम्मान से नवाजा जाएगा जो 30 दिसंबर को होगा। लॉरेंस कोब ओस्लो के मेयर सोनू सूद को ये सम्मान देंगे। फेस्टिवल के डायरेक्टर नसरुल्ला कुरैशी ने सोनू सूद की काफी तारीफें की हैं। उनके मुताबिक बिना किसी मतलब के सोनू सूद ने मानवता के लिए काफी कठिन समय में काम किया, इसीलिए उनके दूसरों को प्रेरणा देने वाले कामों को देखते हुए पूरी टीम ने उन्हें सम्मानित करने के बारे में सोचा। यहां आपको ये भी बताते चले कि सोनू सूद की फिल्म दबंग का प्रीमियर भी इसी नॉर्वे बॉलीवुड फेस्टिवल में हुआ था, जिसमें सलमान खान ने हिस्सा लिया था। इस फिल्म में सोनू सूद नेगेटिव रोल में थे और उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थी। वहीं अब इसी फिल्म फेस्टिवल में उन्हें इतने बड़े सम्मान से नवाजा जाना वाकई सोनू के लिए बहुत बड़ी बात है। बता दें, सोनू सूद ने यूं तो हर तरह से इस महामारी के दौर में लोगों की मदद की है, लेकिन सबसे पहले और सबसे ज्यादा उन्हें जिस काम के लिए नोटिस किया गया वो ये था कि उन्होंने हजारों लोगों को जो कि मुंबई में फंसे हुए थे उन्हें उनके शहरों और उनके गांव तक पहुंचाया। बसों के इंतजाम से लेकर उनके घर पहुंचने, खाने पीने का पूरा खर्चा भी सोनू सूद ने ही किया। सिर्फ बसों के जरिए ही नहीं बल्कि कई बार उन्होंने चार्टर्ड प्लेन के जरिए भी जगह जगह फंसे लोगों को निकाला। जुलाई के महीने में किर्गिस्तान में फंसे लगभग 1500 भारतीय छात्रों को प्राइवेट प्लेन के जरिए वो भारत लेकर आए। इसके अलावा भी उन्होंने कई लोगों की मदद की। यही कारण था कि इस महामारी में वो रियल लाइफ हीरो की तरह नजर आए। वैसे सोनू सूद को मिल रहे इस सम्मान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।